हेलो फ्रेंड्स, कुक विद रजनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ व्रत में खाए जाने वाले आलू फ्राई की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। बहुत ही कम चीज़ इसमें इस्तेमाल होती है और जब कभी भी हमें व्रत में कुछ समझ ना आए तो हम इसे फटाफट बना के खा सकते हैं। आइए तो शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए 4 आलू ले लिए थे मैंने, जिनको उबाल के छील के तैयार कर लिया है। 1/2 कप मूँगफली के दाने, 1 चम्मच सेंधा नमक या फिर स्वाद अनुसार, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा उसे ग्रेट कर लिया था, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 नींबू का रस, 2 बड़े चम्मच ऑयल, इसकी जगह आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आइए तो शुरू करते हैं बनाना। 1 छोटी चम्मच जीरा। सबसे पहले हमने जो आलू लिए थे उन्हें काट के हम तैयार करेंगे इस तरीके से। मोटा बड़ा जैसा आप चाहें उसके अकॉर्डिंग आप इसको कट कर सकते हैं। सभी को हम इसी तरह काट के तैयार कर लेंगे। हमने आलू काट के तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और अब डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, गर्म होने देंगे। अब डालेंगे उसमें मूँगफली के दाने, 1.5 से 2 मिनट इन्हें भून लेंगे। मूंगफली हमारी भून चुकी है, अब हम मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। उसी पैन में अब हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल, गर्म होने देंगे। अब डाल देंगे ज़ीरा, ग्रेट किया हुआ अदरक, हरी मिर्च, भून लेंगे। अब डाल देंगे अपने आलू, और इनको फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारे आलूओं पे गोल्डन ब्राउन कलर की कोटिंग नहीं आ जाती, तब तक इन्हें हल्के हाथ से चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है। ये देखिए, हमारे आलूओं के ऊपर गोल्डन कोटिंग आ गई है। बहुत ही क्रिस्पी हमारे आलू फ्राई हुए हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। इतना फ्राई करने के बाद इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है खाने में। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जो हमने काली मिर्च का पाउडर लिया था वो डाल देंगे, और 1 चम्मच सेंधा नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स, से खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसके बाद डालेंगे इसमें जो हमने अपनी भुनी हुई मूंगफली के दाने, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। थोड़ा सा खट्टा हमारा ये आलू हो जाए उसके लिए डालेंगे इसमें नींबू का रस, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे फ्राई हुए आलू लग रहे हैं फ्रेंड्स, खाने में भी ये उतने ही टेस्टी होंगे। अब हम इन्हें सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कितने टेस्टी आलू फ्राई बन के तैयार हुए हैं। जब कभी भी हमारा चटपटा खाने का मन करे, फास्ट में या बिना फास्ट के भी हम इन्हें बना सकते हैं, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी आलू फ्राई बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी हमारा आलू फ्राई बनके तैयार हुआ है। इन नवरात्रों में आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस से पूरे देश में त्राही मची हुई है, तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को फॉलो करें, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के नीचे क्लिक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।